हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो बॉल्स। इसको आप बिना बेक के बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये स्वीट बनते हैं। आप इसको घर में बनाइए, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ओरियो बिस्किट्स ले लिया है। अभी मैं इस बिस्किट से एक एक करके क्रीम को निकालते जाऊंगी और बिस्किट को मैं अलग रख दूंगी। मैंने सारे बिस्किट में से क्रीम को निकाल दिया है। अभी मैं इस क्रीम को 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी और यहाँ पे जो मैंने बिस्किट रखा था इसको मैं मिक्सिंग जार में डाल के पाउडर बना लेती हूँ। देखिए, पाउडर हमारा एकदम रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप ले लिया है, इसे डाल दूंगी मैं 1 टेबल स्पून जैसा। और हाथों से मैं एक बार अच्छे से मिला लूंगी चॉकलेट सिरप को। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जैसा मिल्क ले लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक साथ नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके डाल के हमें अच्छे से मिला लेना होगा और एक डो बना लेना होगा। और थोड़ा मिल्क ऐड कर देती हूँ और बचा हुआ जो मिल्क है इसे हमें नहीं चाहिए। देखिए, डो हमारा एकदम रेडी है। अभी मैं इसमें से छोटा छोटा बॉल्स बना लेती हूँ। देखिए, हमारा 8 बॉल्स जैसा बना है। और अभी मैंने फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है क्रीम को, इसको भी मैं मैश कर लेती हूँ हाथों से अच्छे से। अभी मैं इस क्रीम में से भी छोटे छोटे 8 बॉल्स बना लेती हूँ। देखिए, 8 बॉल्स हमारे बन के रेडी है। अभी मैं एक बिस्किट का बॉल लेके हाथों में अच्छे से गोल कर लेती हूँ और बीच में मैं टैप कर देती हूँ और जो क्रीम का बॉल रखा था उसको डाल के मैं स्टफिंग में भर देती हूँ और इसका मुंह बंद कर देती हूँ और अच्छे से गोल बना लेती हूँ बॉल जैसा। देखिए, हमारा बॉल्स एकदम रेडी है। ऐसे करके मैं सारे बॉल्स को बना लेती हूँ। देखिए, सारा बॉल्स हमारा रेडी है बनके। अभी मैंने यहाँ पे 2 ग्लास जैसे पानी को बॉयल होने दिया है और यहाँ पे मैंने 1/2 कप चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। अभी मैं इसको मेल्ट होने देती हूँ डबल बॉइलिंग मेथड से। देखिए, चॉकलेट कंपाउंड थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं, अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक प्लेट में ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अभी मैं एक बॉल लेके चॉकलेट में डाल देती हूँ। और इसको मैं फोर्क स्पून से निकाल लेती हूँ। जो ऑयल को ग्रीस करके रखा था उस प्लेट में मैंने सारे बॉल्स को चॉकलेट में डिप करके ले लिया है। अभी मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए सिल्वर बॉल्स डाल देती हूँ और इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने सारे बॉल्स को निकाल लिया है फ्रिज में से। अभी मैं इसको एक नाइफ से धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ प्लेट से। देखिए, कितना बढ़िया हमारा ओरियो बॉल्स बनके एकदम रेडी है। आप भी इस दिवाली में बनाइए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा मेरी ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। देखिए, अंदर से भी कितना परफेक्ट बॉल्स बना है। तो चलिए, आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।